हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपका होने वाला है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो जीवन परिचय है उसमें आप अगर याद करना चाहते तो उसका एक ही तरीका है कि जो आप जीवन परिचय में जो भी कवि हैं या लेखक हैं उनका पहले आप लोग शॉर्ट में याद कर लीजिए। फिर लिखने का जो तरीका होता है वो तो आपको पता ही है, और नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कॉपी पर लिखना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट में नज़र डाल लेना है, वैसे मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, और इसको आपको जो लिखना है, अगर ट्वेल्थ में बात करें तो आपको यहाँ पर 5 नंबर के लिए जो जीवन परिचय आता है उसमें आपको लिखने का तरीका है कि देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वह सन 1889 ईस्वी में हुआ था, और यहां पर कब हुआ था तो आपको जन्म स्थान, जन्म और उनके पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, ये सब चीज़ें अगर आप ट्रिक से याद कर लेते हैं शॉर्ट में जो होता है, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता जो थे बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, और जन्म घर पर ही इन्होंने पढ़ने का प्रबंध किया और अध्ययन में जुट गए। घर पर ही आपने यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है, संस्कृत और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता, कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण भी राज्य क्षमा के शिकार हो गए, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की अल्पायु में ये परलोकवासी हो गए थे। आप देखिए, जो ट्वेल्थ में आता है आपको साहित्यिक परिचय भी देना होता है, तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है वो जान लीजिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, उनके काव्य में हृदय की आकुलता और यह उनके संपूर्ण काव्य में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये हो जाएगी इसकी जो है, इनकी जो है साहित्य में इनका योगदान। बस इतना अगर आप लिख देते हैं तो पूरा का पूरा आपका साहित्यिक परिचय माना जाएगा। बाकी इसमें आप लिखना चाहें तो इधर का भी आप पोर्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको याद हो जाता है, और नहीं याद हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको इतना लिख के चले आना है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामुखी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरी यह उस महामिलन के। ठीक है, प्रसाद जी सुंदर और प्रेम के गायक कवि हैं, उनके सुंदर चित्रण में रीतिकालीन स्थूलता और मानसलता का अभाव है। ठीक है, उनके सुंदर प्रेम में सूक्ष्मता और कोमलता की अभिव्यक्ति हुई है, प्रायः उनके काव्य का विषय होता है। वे एक आशावादी कवि हैं, दुख और निराशाओं के निराकरण ही अपने जीवन के वो लक्ष्य मानते हैं। अगर बात करें यहाँ पर रचनाओं की, क्योंकि रचना भी आपको बताना है इसी में, तो इनकी अलग अलग रचनाएं आप लिख सकते हैं। जैसे काव्य में आप इनकी जो है चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, लहर झरना, आंसू कमायनी, ये सभी काव्य की रचना है। ठीक है, और नाटक की बात करें तो राजश्री, राजाशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, विशाख कामना, अजन्मेजा का नाग्य, ये सभी इनके नाटक हैं। और यहाँ पर कहानी है दोस्तों इनकी आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया, ये सभी कहानियाँ हैं। उपन्यास कृति की बात करें तो कंकाल, तित्री और इरावती, ये अपूर्ण उपन्यास है इनका। निबंध संग्रह है काव्य और कला। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पूरा इनका जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है, और इसको आपको तैयार कर लेना है, बहुत ईजी है, इतने में आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।